अब वक्त अगले विश्लेषण का है। आज 14 मार्च है और 14 मार्च को होता है वर्ल्ड किडनी डे। इस साल इस कैंपेन की थीम किडनी हेल्थ फॉर ऑल है। पूरी दुनिया में वर्ल्ड किडनी डे इसलिए मनाया जाता है ताकि लोग अपनी किडनी को लेकर जागरूक हों और शरीर का ये अंग स्वस्थ रहे। इंसान तभी तक स्वस्थ है जब तक उसके शरीर के अंग स्वस्थ हैं। हार्ट, लिवर, लंग्स और किडनी शरीर के पूरे सिस्टम को चलाने में मदद करते हैं। इनमें से अगर एक भी बीमार पड़ जाए तो सेहत गड़बड़ा जाती है। किडनी हमारे शरीर के लिए छलनी की तरह काम करती है। जिस तरह से छलनी चीजों को छानने का काम करती है, ठीक उसी तरह किडनी शरीर की गंदगी को फिल्टर करके शरीर से बाहर निकालती है। लेकिन आज खान पान और लाइफस्टाइल ऐसा है कि शरीर के अंग बहुत तेजी से खराब हो रहे हैं। इसीलिए आज वर्ल्ड किडनी डे पर यह विश्लेषण हम इसलिए लेकर आए हैं ताकि आप भी शरीर के इस अंग को लेकर जागरूक हो। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किडनी का काम क्या है। गंदगी को फिल्टर करके शरीर से निकालना, पानी के संतुलन को शरीर में बनाए रखना, यूरिक एसिड को नियंत्रित करना, शरीर में कैल्शियम के लेवल को बनाए रखना, ये सब किडनी के काम है। इंसान के शरीर में दो किडनियां होती हैं। अगर एक किडनी खराब हो जाती है तो भी इंसान सामान्य जिंदगी जी सकता है, लेकिन बदलते लाइफस्टाइल की वजह से किडनी की बीमारियां बढ़ रही हैं। 45% किडनी की बीमारियां डायबिटीज मरीजों को होती है। 27% किडनी की बीमारियां उन लोगों को होती हैं जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। कैंसर और ल्यूपस जैसी ऑटो इम्यून बीमारियों से जूझ रहे लोगों को किडनी खराब होने का खतरा ज्यादा होता है। आज पैकेज्ड फूड और जंक फूड बहुत खाया जा रहा है। इनमें कई ऐसे तत्व होते हैं जो बड़ों और बच्चों की किडनी को खराब कर सकते हैं। इनमें नमक जरूरत से ज्यादा होता है जो शरीर में सोडियम के लेवल को बढ़ाता है। सोडियम किडनी से पानी को बाहर निकालता है जिससे किडनी पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है और किडनी के खराब होने का रिस्क बढ़ जाता है। किडनी से जुड़ी बीमारियों के ज्यादातर लक्षण तब दिखते हैं जब किडनी 80% तक खराब हो जाती है। इसीलिए इसके लक्षणों को समय रहते पहचानिए। कमजोरी, पैरों या एड़ी के पास सूजन, हाई ब्लड प्रेशर, यूरिन के समय जलन, खून की कमी, सांस फूलना, भूख कम लगना, वजन तेजी से कम होना, पीठ या पेट के निचले हिस्से में दर्द, डायबिटीज कंट्रोल ना होना, ये सभी वो लक्षण हैं जो किडनी की बीमारी के समय दिखते हैं। अपनी किडनी को स्वस्थ रखना इंसान के ही हाथ में है। किडनी हमेशा स्वस्थ रहे, दोनों किडनियां शरीर में अपना काम सही तरीके से करती रहें, इसीलिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। रोज कम से कम 7-8 ग्लास पानी जरूर पिएं। नियमित रूप से व्यायाम करें। ब्लड शुगर को कंट्रोल रखें। अपनी डाइट हेल्दी रखें और धूम्रपान से दूर रहें। शरीर में जितना अहम काम हार्ट का है, फेफड़ों का है, लिवर का है, ठीक उसी तरह से किडनी का भी है। इसीलिए अपनी किडनी का बहुत ख्याल रखिए। किडनी बेसिकली जब भी हम बेसिकली प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, जिसमें कि हम प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, जिसमें कि हम ट्रांस फैट्स नहीं ले रहे हैं, जिसमें कि हम नमक की इनअप्रोप्रिएट मात्रा खा रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं, या फॉस्फोरस प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहे, वो कहीं ना कहीं किडनी को इफ़ेक्ट करता है। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम पोटेशियम लो ले रहे हैं और सोडियम ज़्यादा ले रहे हैं तो उससे हमें हाइपरटेंशन होने का रिस्क है और हाइपरटेंशन इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ किडनी डिजीज़। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव हेल्दी बैलेंस्ड डाइट। किडनी को कैसे स्वस्थ रखना है इसके बारे में हमने आपको बताया। भारत में किडनी की बीमारियां तेजी से बढ़ी हैं। एम्स की रिपोर्ट बताती है कि भारत में करीब 10% लोग किडनी की समस्याओं से जूझ रहे हैं। 7% लोगों की किडनी खराब होने की वजह पेन किलर है। किडनी के 70% मरीजों में रिकवरी के आसार कम होते हैं। इसी वजह से किडनी फेलियर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। भारत में डायबिटीज और हाई बीपी से पीड़ित लोगों की बढ़ती संख्या के कारण किडनी की बीमारियां भी बढ़ रही हैं। किडनी की बीमारी को शांत बीमारी भी कहा जाता है क्योंकि इसके शुरुआती लक्षण अक्सर दिखाई नहीं देते। ज्यादातर लोग शुरुआती चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं और जब तक पता चलता है तब तक किडनी खराब हो चुकी होती है।
इंडियन जर्नल ऑफ नेफ्रोलॉजी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का हर पांचवा युवा किडनी की बीमारी से परेशान है। पिछले दो दशक में भारत में किडनी से मौत के 50% तक मामले बढ़े हैं। 20 से 30 साल तक के युवाओं में किडनी स्टोन की समस्या देखने को मिल रही है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि किडनी को स्वस्थ रखने के लिए हेल्दी डाइट लेना जरूरी है, लेकिन दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछिए, क्या हम हेल्दी खाना खा रहे हैं? हाल ही में चंडीगढ़ में जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ इंडिया और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यानी PGIMER की स्टडी आई। इस स्टडी से पता चला है कि उत्तर भारत में लोग बहुत ज्यादा नमक और फॉस्फोरस का सेवन करते हैं, लेकिन प्रोटीन और पोटेशियम को अपने खान पान में बहुत कम शामिल करते हैं। स्टडी में पता चला है कि भारत में लोग कम कैलोरीज लेते हैं। शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से दिल किडनी समेत बीपी की समस्या बढ़ रही है। अब सोचिए, जब हमारे शरीर को पोषक तत्व मिलेंगे ही नहीं तो शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा? अब एक सवाल और, सवाल है कि शरीर में पोषण की कमी क्या है, इसके बारे में भी आपको सरल शब्दों में समझाते हैं। हमारे शरीर को अच्छे से फंक्शन करने और बीमारियों से दूर रखने के लिए प्रोटीन, विटामिंस, कैल्शियम और आयरन जैसे पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो शरीर में इसकी कमी हो जाती है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने पर इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और किडनी समेत कई बीमारियां शरीर पर अटैक कर देती हैं। पोषण की कमी के चलते कई लोग कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। आजकल लोग फास्ट फूड को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना रहे हैं। इन फूड आइटम्स में जरूरी पोषण की भयंकर कमी होती है जो इन्हें सेहत के लिए हानिकारक बनाती है। इंसान के शरीर को लगातार पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, जिससे शरीर भी स्वस्थ रहता है और इम्यूनिटी भी बढ़ती है। हमारे शरीर के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्व क्या है, अब इसके बारे में आपको बताते हैं। आयरन की कमी से लोग अनीमिया से पीड़ित हो सकते हैं, इसलिए शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने के लिए हरी सब्जियां, किशमिश, दाल को डाइट में शामिल करें। रिसर्च के मुताबिक भारतीय लोगों में जिंक की कमी के मामले बढ़े हैं। इसकी कमी इम्यूनिटी को कमजोर करती है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए बादाम, अखरोट और पिस्ता जैसे ड्राई फ्रूट्स जरूर खाने चाहिए। प्रोटीन हमारे शरीर की मजबूती में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन फिर भी 80% भारतीयों में इसकी कमी पाई जाती है। प्रोटीन के लिए दाल, पनीर, हरी सब्जियां, अंडों समेत कई चीजों को डाइट में शामिल कर सकते हैं। विटामिन डी भी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाने, स्किन हेल्दी रखने और इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए जरूरी है। इसके लिए सूरज की रोशनी जरूर लें। भारतीयों में विटामिन B12 की भी कमी देखी जाती है। B12 की कमी से मेंटल हेल्थ, ब्लड फ्लो और नसों में समस्याएं हो सकती हैं। B12 की कमी को पूरा करने के लिए सब्जियां, बाजरा डाइट में शामिल कर सकते हैं। पिज्जा, बर्गर के स्वाद के आगे दाल, पनीर, रोटी, सब्जियां फीकी लगती हैं और ये वो समस्या है जो घर घर में। इन जंक फूड में स्वाद तो है, लेकिन पोषक तत्वों की मात्रा शून्य। अब सवाल है कि एक हेल्दी थाली कैसी होनी चाहिए? थाली में ऐसा क्या क्या होना चाहिए जिससे शरीर बीमारियों से बचा रहे, किडनी समेत शरीर के सभी अंग स्वस्थ रहे। भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के मुताबिक एक आम वयस्क की थाली में दिन भर में 350 ग्राम सब्जियां, 150 ग्राम फल, दालें, बीन्स, अंडे, मीट की मात्रा 90 ग्राम, 30 ग्राम ड्राई फ्रूट्स, 27 ग्राम तेल और घी, 240 ग्राम सभी तरह का अनाज जैसे आटा, चावल, मक्का, ज्वार होना चाहिए। इस पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, आपको वो भी सुनवाते हैं। बेसिकली हमारी डाइट में जो है वो ज़्यादातर ऐसे फूड आइटम्स हैं जिसमें रिफाइंड फूड्स यानी कि मैदे से बनी चीज़ें या प्लेन व्हीट यानी सादा आटा है, जिससे क्या है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है। हमारी डाइट में फाइबर, पोटेशियम, सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो रही है, पोटेशियम, फॉस्फोरस और अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स जो हम मिस कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि हमारी थाली में रोटी है, सब चीज़ें हैं, लेकिन हम खा नहीं रहे हैं। जैसे हम अक्सर ये करते हैं कि हम पहले रोटी खा लेते हैं और दही खा लेते हैं, सब्जी खा लेते हैं, लेकिन सलाद और दाल को
छोड़ देते हैं, जिससे हमारी डाइट में प्रोटीन की कमी हो रही है, पोटेशियम की कमी हो रही है, क्योंकि सब्जियां नहीं खा रहे हैं ढंग से हैं, सिर्फ हम रोटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एंड जैसे हमने इसमें भी शो कर रखा है कि क्या चीज़ें हमें कम से कम खानी चाहिए, मॉडरेट क्वांटिटी यानी बीच में, ज्यादा नहीं ना ज्यादा न कम। यहाँ जो ये ईट एडिक्वेटली देख रहे हैं वो अगर आप लोगों को बताएं कि क्या है जो ज्यादा खाना है। ज्यादा हमें दालों का प्रयोग करना चाहिए अपनी डाइट में, जिससे कि प्रोटीन जाए, ज्यादा फ्रूट फाइबर जाए, सब्जियां जाए, जिससे कि हमें लैविशली में भी आप देखेंगे ना तो सब्जियां हैं, एग्स है, प्रोटीन्स एंड वेजिटेबल, जिससे डाइट में फाइबर जाएगा, जिससे कि उनकी डाइट में सब कुछ प्रॉपर न्यूट्रिशन जाएगा, जिसे हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। Z News.